बलरामपुर में करीब 7,000 शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो सका है, जिसे लेकर के शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है और ट्रेजरी अफसर को ज्ञापन भी सौंपा है। ट्रेजरी अफसर के मुताबिक डीओ ऑफिस से मृत शिक्षकों से संबंधित जानकारी मंगाई गई थी, जानकारी समय पर नहीं मिलने के कारण वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है। उन्होंने जल्द वेतन भुगतान किए जाने का भरोसा भी दिलाया है। जिले भर में 6 से 7 हजार शिक्षक होंगे जिनके वेतन भुगतान नहीं हुए हैं 6 के 6 विकास खंडों में, जबकि सभी हमारे शिक्षक एमआई पे हैं, किसी ने होम लोन लिया है, कोई व्यक्तिगत ऋण पे है, तो सब लोगों को एमआई ड्यू हो रहा है। अब आप सब जानते हैं कि शिक्षकों को कोई अलग से कोई आय प्राप्त नहीं होता। इस जिले में जहां शिक्षकों के साथ लोग फोटोग्राफी करके उनको टाइम से उनके फोटो लेते हैं, टाइम से उनके छुट्टी ऑनलाइन सेंक्शन होता है, इतनी कड़ाई के बावजूद और शिक्षकों के जब महीने पूरे होते हैं तो उनके वेतन भुगतान नहीं होता है, तो जो भी अधिकारी इसमें दोषी है हम लोग उस पर कार्रवाई की मांग चाहते हैं। शिक्षकों के ही जो मृतक शिक्षक है उनके पेंशन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट है जो बीओ की स्तर से मंगाए गए हैं और उनके कारण उनका जो जब तक वो ट्रेजरी में सबमिट नहीं करेंगे तो आगे थोड़ा सॉफ्टवेयर में भी टेक्निकल इशू आ रहा था, लेकिन बात हो गई है 2-3 दिन में, आज नहीं तो 2 दिन मैक्सिमम 2 दिन से में ही पेमेंट हो जाएगा। डिले कोई बात नहीं, ज्ञापन उनका मिला है और हम उस पर बात ऊपर रायपुर में भी बात किए हैं, कल या परसों पेमेंट हो जाएगा।